मशहूर फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर मुंबई से लखीमपुर खीन पहुंचे। कल्याण ज्वेलर्स के उद्घाटन पर उन्होंने लखीमपुर वालों से अपील की। आइए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा हम आपको सुनवाते हैं और हम दिखाएंगे कि लखीमपुर में किस तरह उन्होंने लगाए ठुमके। लखीमपुर वालों एक बार जोरदार तालियों और शोर के साथ में स्वागत हो जाएगा। नमस्ते लखीमपुर, कैसे हैं आप? सुनाई नहीं दे रहा है? यहाँ आके मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। आज कल्याण ज्वेलर्स का ये जो बहुत ही बढ़िया शोरूम खुल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सब से मिलकर। एंड आई वांट टू विश कल्याण ज्वेलर्स ऑल द वेरी बेस्ट ऑन देयर न्यू। बोलूंगी मेरे साथ साथ मैम के लिए, सब लोग रिपीट करेंगे, सबको पता भी है वो। ओके, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। मैम पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हम सभी के दिल बहुत जोर से धड़क रहे थे, लेकिन मेरा बहुत जोर से धड़क। मैंने आप सबका इतना सारा प्यार देखा, थैंक यू सो मच। और यहाँ जो कल्याण ज्वेलर्स का जो स्टोर खुला है, तो जरूर यहाँ आइए और ढेर सारा शॉपिंग कीजिए। वाओ, दैट इज अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम, देखिए उत्तर प्रदेश में आई हैं आप, यूपी आई है, और आपका एक बहुत फेमस गाना है जिसमें यूपी का जिक्र होता है। हमारे फैंस चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, हमारी कल्याण ज्वेलर्स की टीम भी ये चाहती है कि एक बार यूपी वाला ठुमका अंदर आए। प्लीज प्लीज लखीमपुर खीरी में भी करिश्मा कपूर के बहुत सारे फैंस, अच्छी खासी भीड़ में कुछ ऐसे भी फैंस थे जो उनकी तस्वीर बना कर लाए थे। इन फैंस की तस्वीर को उन्होंने अपने हाथ में लेकर उनकी सराहना की और अपने फैंस का मन जीत लिया। इस दौरान करिश्मा कपूर ने लखीमपुर खीरी के लोगों से कल्याण ज्वेलरी खरीदने की बात की। उन्होंने कहा कि बढ़ चढ़ कर यहाँ शॉपिंग करें। इस दौरान कल्याण ज्वेलर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रमेश कल्याण रमन ने बताया कि 5 देशों में 250 से अधिक शोरूम्स हैं उनके, और लोगों को मेकिंग चार्जेस जो 0% लिया जा रहा है, और गुणवत्तापूर्ण जो गहने यहाँ पर दिए जाते हैं। सुंदर तुझे भी नचा के नजर में।